नमस्कार दोस्तों, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अर्नट इस्टट होमोलोगेशन। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा रिएक्शन का ओवरव्यू है कि इसमें क्या लेते हैं रिएक्टेंट, क्या लेते हैं रीजेंट और कैसे कैसे हमारा बनता है। मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस है, ठीक है, कि पहले हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमने इसमें रिएजेंट को मैंने ऐड कर दिया है SOCl2 और उसके बाद हमारा ये बन गया है RC डबल बॉन्ड OCl और उसके बाद हमने फिर से लिया है रिएजेंट इन द फर्स्ट स्टेप CH2N2 एंड इन द सेकेंड स्टेप वी हैव टेकन हियर Ag+ एंड H2O एंड लाइट। और इसके बाद जो हमारा जो बना है फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा बना है RCH2C डबल बॉन्ड OH। तो और एक बात और कि इस रिएक्शन का नाम, ये तो ठीक है कि अर्नट इस्टट हमारा साइंटिस्ट का नाम होगा, लेकिन ये जो हमारा जो रिएक्शन है, लेकिन ये जो हमारा नाम है होमोलोगेशन, ये आपका कैसे पड़ा? आखिर होमोलोगेशन का मतलब क्या है? ठीक है, होमोलोगेशन का इसका मीनिंग क्या है वो भी आपका इस रिएक्शन को देखने से ही पता चल रहा होगा आप लोग को। कैसे, अगर नहीं चल रहा तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस रिएक्शन का नाम लास्ट में होमोलोगेशन कैसे यहाँ पे पड़ा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अभी आपको भी ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपका रिएक्शन है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारा, ठीक है, और ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही है प्रोडक्ट में, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही है प्रोडक्ट में, ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है दोस्तों कि यहाँ जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारा RC डबल बॉन्ड OH है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक जो हमारा कार्बन है ये आपका इंक्रीज कर गया है, एक जो हमारा कार्बन है बीच में R और C डबल बॉन्ड के बीच में एक कार्बन को यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है वो आपका होमोलोगेशन पड़ा है, होमोलोजेशन, ठीक है। तो हम होमोलोजेशन किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे अल्केन फैमिली का अल्केन है यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ मीथेन हो गया CH4, यहाँ पे इथेन हो गया, है ना, यहाँ पे आपका प्रोपेन हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे जो है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये आपका एक ही फैमिली के हैं, ये आपका ये आपके एक ही हाइड्रोकार्बन है जो कि आपका अल्केन है ये, ठीक है, लेकिन अल्केन तो है, लेकिन जो हमारा मीथेन है इसमें आपका एक कार्बन है, लेकिन जो हमारा इथेन होता है इसमें आपका C2 होता है, जो हमारा प्रोपेन होता है इसमें आपका C3 होता है, और इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए इस रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड तो है हमारे पास, लेकिन लेकिन जो हमारा जो यहाँ पे जो बन रहा है प्रोडक्ट, ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक यूनिट जो हमारा है कार्बन का वो हमारा इंक्रीज हो गया इस वाले, ये जो कार्बन है हमारा ये हमारा इंक्रीज हो गया, मतलब कि वन कार्बन होमोलोगेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हो रहा है। मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ कि इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे एक कार्बन जो है यहाँ पे इंक्रीज कर गया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक यूनिट जो है कार्बन चेन का वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज कर गया, और इसी को बोलते हैं होमोलोगेशन, होमोलोगेशन, ओके। तो इसीलिए इसका जो नाम जो पड़ा है रिएक्शन का, ये आपका अर्नट इस्टट होमोलोगेशन है, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टेंट में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसमें आपका जो बनेगा प्रोडक्ट उसमें आपका एक यूनिट वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, एक कार्बन जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, और अब हम चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की ओर। और यहाँ जो हमने जो लिया रिजेंट, जो हमारा SOCl2 है
ये आपका क्या हो रहा है कि जो हमारा SOCl2 है, ये आपका इसका काम क्या होता है कि OH को कन्वर्ट कर देता है Cl में, लेकिन ये कैसे करेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है एसिडिक एसिड क्लोराइड, और इसे हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसा रिजेंट लेंगे हम जो कि OH को यहाँ पे कर देगा Cl में, और उसके लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ SOCl2। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होगा सारे रिएक्शन की, स्टेप बाय स्टेप हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, एक मिनट बस, एक मिनट, एक मिनट। ओके ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, आर सी डबल बॉन्ड, और इसको मैं नीचे से बनाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास OH है, ठीक है, OH है, और जो हमने जो लिया था रिजेंट SOCl2, एच डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा Cl है, यहाँ हमारा Cl है, दिस इज़ द SOCl2। तो अब इसके इसके बीच में रिएक्शन होगा, है ना, और वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो जब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या करेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इस पे अटैक होगा। तो कैसे अटैक होगा वो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा अटैक है वो कैसे होगा। तो अटैक आपका कुछ ऐसे होगा कि यहाँ का जो लोन पेयर ऑक्सीजन का आपका नीचे आएगा, और इस वाले से डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के इस सल्फर पे अटैक करेगा। ठीक है, और आपके मन में एक चीज़ अभी और आपके मन में अभी आ रहा होगा कि सर आपने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को डीलोकलाइज करा करके इस वाले ऑक्सीजन से आपने क्यों अटैक कराया। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर तुम ऐसे करा दोगे, अगर मान लेते तुम चाह रहे हो कि इसको हम ऐसे करा दें, ऐसे, तुम चाह रहे हो कि इसको हम ऐसे करा दें, ठीक है, आपका चाहना भी सही है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि इसको हम डायरेक्ट, मैं इसी ऑक्सीजन के लोन पेयर से मैं इस सल्फर पे करा दूँ अटैक। यहाँ पे लोन पेयर है, और अगर मैं इसे डीलोकलाइज कराऊँ अगर अटैक, तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं करा रहा हूँ डीलोकलाइज, तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका एच प्लस हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि आपका यहाँ बन रहा है अनायन, ये आपका अनायन है, और ये आपका है लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, अनायन है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर और अनायन में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आपको तो ये बखूबी पता है कि जो हमारा अनायन होता है ये आपका मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो आपका अनायन के पास ज़्यादा होती है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अपन इसको डीलोकलाइज करा करके और इस वाले ऑक्सीजन से एज अ अनायन ये आपका अटैक करेगा इस वाले सल्फर पे। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा मेसी हो गया है। ठीक है, तो एक मिनट बस। ओके तो अब जब यहाँ पे अटैक होगा तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे मैं इसको फिर से ले रहा हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे था OH, और यहाँ पे मेरे पास है एच डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये मेरे पास Cl, ये मेरे पास Cl, और हम यहाँ पे ओ का लोन पेयर नीचे आएगा,
और ये आपका यहाँ से अटैक होगा इस पे, और जब आपका अटैक होगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो आपका बॉन्ड है ऐसे डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पे, शिफ्ट होकर क्या होगा, फिर से करेगा कम बैक, जब करेगा कम बैक तो इस वाले सीएल को बाहर निकाल देगा, जब बाहर निकलेगा तो मेरे पास ये बन गया। इसको और थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ ताकि ये बन गया आपका ऐसे सी ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया सी एल, और यहाँ पे आ गया मेरे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया एच, और इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो मेरे पास ऐसे हैं। अब जब ऐसे हैं तो क्या होगा, जो हमारा अभी सी एल माइनस जो आपका बाहर निकला अभी, तो ये क्या करेगा, अब जो हमारा सी एल माइनस जो बाहर निकला था ये आपका यहाँ पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा इस वाले जो डबल बॉन्ड है। लेकिन लेकिन फिर भी आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो सी एल माइनस है ये आपका यहीं पे क्यों अटैक किया, कार्बोनिल पोजीशन पे क्यों अटैक किया, सी डबल बॉन्ड ओ पे क्यों अटैक किया, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हमारा जनरेट हो गया और यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। इसके कारण क्या हुआ कि जो तो हमारा कार्बन है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, राइट, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है, इसीलिए जो हमारा सी एल माइनस है यहाँ पे इस पर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये जो बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और ये जो हमारा ऑक्सीजन है अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और कैसे होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ या पूरा ही कर देता हूँ, है ना, पूरा, हाँ पूरा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब क्या होगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है आपका आर सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सी एल, और यहाँ पे मेरे पास ऐसे था, इस पे था पॉजिटिव चार्ज, और बाहर से आपका क्या आ रहा था, सी एल माइनस आ रहा था, सी एल माइनस आया इस पर अटैक किया और इसको इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन पे। जब शिफ्ट हुआ तो हमारे पास कुछ ऐसा मिल गया ओ एच डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ हो गया सी एल, और यहाँ पे आ गया आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास आ गया क्लोरीन, ये आ गया आपके पास क्लोरीन ऐसे सी एल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन पे आपके पास दो दो लिविंग ग्रुप हैं अभी, कौन कौन से हैं, एक तो हमारा ये वाला हो गया, सॉरी, एक तो हमारा ये वाला हो गया लिविंग ग्रुप, और एक हमारे पास सी एल तो है ही लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अब क्या होता है जब दो लिविंग ग्रुप है तो एक को निकलना पड़ेगा, तो किसको निकालें हम, तो जाहिर सी बात है कि हम इस वाले लिविंग ग्रुप को निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं फिर से अगर मैं सी एल को ही निकाल दूँ तो फिर रिएक्शन कराने का फिर फायदा ही क्या हुआ, सी एल तो फिर से बाहर चला गया, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, तो इसको ये देखो अब, तो ये जो हमारा ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये आपका पुश करके यहाँ पे अपना लोन पेयर को आगे लाएगा, ठीक है, अपना लोन पेयर को आगे ला करके, और इस वाले, एक मिनट, थोड़ा सा हचकच हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और अच्छे से आपको समझाता हूँ, है ना, ये हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मेरे पास कुछ ऐसा था सी ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी एल, ये हमारा हो गया था ओ एच, और यहाँ पे आ गया था सी एल। तो अब क्या, तो मेरे पास अब क्या होगा कि जो हमारा लोन पेयर का, जो हमारा ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये आपका पुशिंग इफेक्ट्स हो करके यहाँ पे आ करके और इस वाले बॉन्ड को निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन जो है ले करके चला जाएगा वो, क्योंकि ये हमारा लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है, ये हमारा लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, और जब ये ऐसे हुआ तो क्या हो गया, एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ माइनस, और यहाँ पे सी एल है। अब क्योंकि ये हमारा चाहेगा कि ये आपका एज अ
SO2 जो है आपका बाहर निकलना चाहेगा ये, तो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे जा करके क्या होगा, ये आपका Cl जो है बाहर चला जाएगा, ठीक है। एज आपका SO2 गैस और प्लस Cl माइनस, ये आपका बाहर आपके निकल जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा, ठीक है। O माइनस का चार्ज नीचे आया, Cl बाहर निकला और ये हमारा बन गया SO2 और प्लस Cl माइनस। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके आपका ये होगा कि मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ रेज, ओके। अब क्योंकि इससे क्या बन गया, अब इससे बन गया हमारे पास ये हो गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया H पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया Cl। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो Cl माइनस था वो आपका बाहर निकला हुआ है, ये Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ से आपका इस वाले प्रोटॉन को ले लेगा और ये जो है आपका बन जाएगा न्यूट्रल और ये आपका बन जाएगा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। राइट, तो ये हो गया हमारा, ये आपका फर्स्ट स्टेप था रिएक्शन का, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम SOCl2 से और वहाँ बन रहा था RC डबल बॉन्ड OCl। लेकिन ये कैसे हुआ, मैंने आपको ये चीज़ मैंने दिखाया कि इसका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस SOCl2 का मैकेनिज्म क्या होता है, वो आपका ऐसे होता है, ये बन गया आपका अब RC डबल बॉन्ड OCl। अब इसके आगे क्या होगा वो अभी देखते हैं, तो इसको कर लेते हैं इरेज और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। हमारे पास अभी RC डबल बॉन्ड ओ सी एल बन गया है, ठीक है, याद रखना आप, भूल नहीं जाना आप इसको, बहुत ही कीमती चीज़ है ये, इसी से आगे रिएक्शन जाएगी, अगर आप भूल जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं अब, तो ये आपका था, बन गया था आपका RC डबल बॉन्ड ओ सी एल बन गया है मेरे पास, हमने एक स्टेप हमने पार कर ली है। अब चलते हैं दूसरी स्टेप की ओर, इसके आगे जो हमने लिया था रिजेंट, हमने कुछ ऐसा लिया था CH2, पहला रिजेंट हमने ऐसा लिया था CH2N2 और दूसरा जो हमने लिया था रिजेंट वो हमने लिया था Az प्लस और H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल और लिया था यहाँ पे लाइट और यहाँ पे बन रहा था कुछ प्रोडक्ट जो कि हम बनाएंगे, अभी हम बना करके चेक करेंगे, ठीक है। हम लोग वी आर द रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट, वी डू मैकेनिज्म, वी नॉट रिमेम्बर, ओके। तो इसलिए शुरू करते हैं फिर, ये आपका थोड़ा सा मैंने मोटिवेट कर दिया मैंने काफ़ी ज़्यादा, चलिए कोई बात नहीं, मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। तो फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप का जो रिएक्शन है वो आपका CH2N2 का है, तो इसको लेकर के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको मैं सेपरेट थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि, देखो अगर ब्लैक बोर्ड अगर साफ सुथरा हो ना तो पढ़ाने में मज़ा आता है, ऐसे अगर ये थोड़ा सा मेसी हो जाता है तो फिर लगता है कि कहाँ लिखे हम, ठीक है। तो इसलिए शुरू करते हैं, फिर हो गया इरेज कर लिया मैंने। तो अब यहाँ पे क्या था भाई, अब मेरे पास था CH2 और N2 था। तो पहली बात यह है कि काफ़ी सारे बच्चे लोग को डाउट होगा कि हम CH2N2 का कैसे बनाए, स्ट्रक्चर कैसा होता है ये, तो उसको मैं बता रहा हूँ कि कैसा होता है। ये आपका होता है CH2 माइन, एक मिनट, CH2 माइनस ये होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि नाइट्रोजन का यहाँ पे चार बॉन्ड बना हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओरिजिनल जो होता है हमारा CH2N2 का स्ट्रक्चर हमारा यही होता है। तो इसी से हमको इसको और इसको इसी से करानी है रिएक्शन,
ठीक है, कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं। ओके, तो चलिए फिर शुरू किया जाए। ठीक है, तो ये आपका है CH2-, ये आपका है N ट्रिपल बॉन्ड, N इस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? तो क्योंकि आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस रिएक्शन होता है, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए आपके पास एसिडिक प्रोटॉन भी होना ज़रूरी है। एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए एसिड एसिडिक प्रोटॉन भी होना ज़रूरी है उस मॉलिक्यूल में, तभी आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, इस वाले मॉलिक्यूल में एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। लेकिन अगर रहता भी तो क्या होता? जो हमारा CH2- जो है, CH2- N2+, ये आपका मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को आपका ये अब एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे आपका अगर ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा H, नाइट्रोजन से अटैच रहेगा H, तो जो आपका CH2N2 जो है, आपका CH2N2, ये आपका ले लेता है प्रोटॉन। ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा H, नाइट्रोजन से जुड़ा H, तब जाके ये जो है ना CH2-N2+, ये आपका एज अ बेस काम करता है। ठीक है, ड्यू टू मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, उस कंडीशन में आपका जो हमारा CH2-N2+ है, वो आपका बेस का काम करेगा और वो आपका लेगा प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा ये आपका अटैक करेगा कार्बोनिल पे। कार्बोनिल पे क्यों अटैक करेगा? कार्बोनिल पे इसलिए अटैक करेगा, क्यों, एरो कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। कार्बोनिल पे इसलिए अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज जनरेट है, यहाँ पे डेल्टा माइनस का चार्ज आपका जनरेट है ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए CH2N2+ ने यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या होगा वो भी देखते हैं। लेट मी मेक सम स्पेस। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, ओ सेठ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ओके ओके, आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ले रहा हूँ अब RC(OCl) और बाहर से आ रहा है आपका CH2-, यहाँ पे आ रहा है N2+। अब ये क्या होगा? अब ये आपका अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर से करेगा कम बैक। तो क्योंकि हमारा Cl हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, ये आपका बाहर निकलेगा। सॉरी, काफ़ी बड़ा मैंने बना दिया है, ये हमारा बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? RC(OC), यहाँ पे आ जाएगा CH CH CH2, ये हो जाएगा आपका N(NN), यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होगा? क्योंकि यहाँ से हमारे पास Cl- में बाहर निकला है, तो लगा दो आप -Cl-। ठीक है, तो जो आपका Cl- यहाँ से बाहर निकला, ये आपका एज अ बेस काम करेगा। Cl- जो है एज अ बेस काम करके इस वाले प्रोटॉन को ले लेगा, क्योंकि क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ये हमारा एसिडिक प्रोटॉन है। ठीक है, और अब क्या होगा कि जो हमारा Cl- है, इस वाले प्रोटॉन को लेगा। जब प्रोटॉन को लेगा तब बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे कार्बन पे। ठीक है, और कार्बन पे शिफ्ट होने के बाद कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा RC(OC), ये हो जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा N(NN), यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो ये आपका होगा डीलोकलाइज होगा, ये आपका इधर जाएगा, ये आपका इधर आएगा, ठीक है, ये आपका ऐसे होगा। और इसको आप ऐसे बना लो आप, क्योंकि ये हमारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम करा रहे हैं डीलोकलाइज, और ये आपका कुछ फिर ऐसा बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस का यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं इसको इधर बनाऊँगा, इधर, ठीक है, इधर चला मैं, उधर चला ना जाने किधर चला। एक मिनट, ये क्या बन गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ हो जाएगा सी एच डबल बॉन्ड, और क्योंकि ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा ना ऐसे, राइट, तो ये हो जाएगा आपका एन, ये हो जाएगा एन, और एन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा ऐसे हो गया। लेकिन जब हमारा ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ इरेज, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये आपका बन गया ऐसे, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन माइनस था, ऐसे था, है ना, तो इसको आप करा दो डिलोकलाइज, फिर से ऐसे आएगा, इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, है ना, ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ आपका एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव, और यहाँ पे हो गया एच। अब क्योंकि हमारा एन टू जो प्लस है, एन टू प्लस हमने लिया है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ से अटैच है, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन में हमारा हमने लिया लाइट, और लाइट के इफेक्ट में, लाइट के प्रेजेंस में जो हमारा एन टू माइ जो हमारा एन टू प्लस है, ये आपका बाहर निकलेगा, ये आपका बाहर चला जाएगा, ये आपका बाहर जो इस बॉन्ड का, इस सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले करके आपका बाहर चला जाएगा ये, ठीक है। जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एज अ एन टू प्लस जो आपका है, ये आपका एज अ एन टू प्लस, जो हमारा यहाँ पे एन टू प्लस जो था, वो आपका एज अ एन टू आपका बाहर चला जाएगा एज अ गैस के फॉर्म में, ठीक है, एज अ गैस के फॉर्म में आपका ये चला गया बाहर। और जब ये बाहर चला गया, तो अब क्या होगा कि ये आपका चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि ये आपका जो कंपाउंड है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा यार, इरेज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्या पता क्यों, हाँ ठीक है, अब सही है। तो ये गया बाहर, तो ये हमारा बन गया कुछ ऐसा, ये आपका हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी, तो वो जब गया बाहर, तो इस पे आपका ये जो आपका नेगेटिव चार्ज था, ये आपका न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है एन टू आपके अपने साथ लेकर गया है, तो इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के हो जाएंगे न्यूट्रलाइज, तो यहाँ पे हम न्यूट्रलाइज का साइन नहीं देंगे, बस आपका ये ऐसे रहेगा, सी एच रहेगा। अब यहाँ से आपका जो असली जो खेल है वो आपका शुरू होगा, कि इसके बाद हम कैसे कैसे करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये आपका बन गया अब कार्बीन, बन गया अब कार्बीन, दिस इज अ कार्बीन, और हम ये जानते हैं कि जो हमारा कार्बीन होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, कार्बीन इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कार्बीन जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन
डिफिशियंट होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इसीलिए क्या होगा, इसके पास वैकेंट और वाइटल है भी इस वाले कार्बन के पास। इसको मैं थोड़ा सा और वाइटल डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका और वाइटल है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, इसके पास ऐसे है ऐसे है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, कार्बिन, ये जो कार्बन है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक आपका रीअरेंजमेंट होता है, जो हमारा कि जो आपका कैसे होगा कि सी डबल बॉन्ड ओके, जो हमारा इस साइड में जो आपका बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड ओके, लेफ्ट साइड में जो हमारा ये जो आपका ग्रुप है, ये जो ग्रुप है आपका यहाँ पे इस वाले वैकेंट और वाइटल में आपका इस कार्बिन को देता है, मतलब कि ट्रांसफ़र होता है, और जब होगा ट्रांसफ़र तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा कार्बन, ये आपका ऐसे, एक मिनट, तो इस पे आपका पहले से ऐसे था, अब क्योंकि ये हमारा आर ग्रुप से पूरा यहाँ पे आ गया है तो इसके साथ जुड़ जाएगा आर, ठीक है, और इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, राइट, और इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अब ये कैसे बन जाएगा, और अब ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे एच भी है, ठीक है, यहाँ पे एच भी है, वो मैं भूल गया था, मैं गलती से, और अब ये कुछ आपका ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका आर, ये आपका ऐसे बन गया, राइट, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, देन आपका आ गया आर, ये हमारा ऐसे बन गया, राइट, और जो हमने लिया था ना यहाँ पे, जो हमने लिया था रिजेंट में Ag प्लस, तो इसका काम क्या था, ये आपका एज अ मेटल कैटलिस्ट का काम करता है, ये इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट कराने में मतलब कि हेल्प करता है, ये आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एज अ मेटल कैटलिस्ट हम लेते हैं Ag प्लस को इस रिएक्शन में, ठीक है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करना है कि यहाँ पे Ag प्लस का क्या काम था, ये आपका सिर्फ एज अ मेटेलिक कैटलिस्ट हमने इस रिएक्शन में लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम Ag प्लस को ना लेकर, हम यहाँ पे अगर हम Ag प्लस ना लें तो इसके इसके इंस्टेंट में हम ले सकते हैं, जैसे कि प्लेटिनम भी ले सकते हैं Pt, या फिर हम कॉपर साल्ट भी ले सकते हैं, कॉपर साल्ट भी हम ले सकते हैं, ठीक है, Ag प्लस के जगह पे, राइट, तो उससे कुछ आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके, तो इसके बाद क्या होगा, तो मैं इसको जल्दी से मैं करता हूँ इरेज, और इस रिएक्शन को मैं करता हूँ ख़त्म बहुत जल्द, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया इसमें समझाने में, है ना, और एक बात और मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो एक्चुअल में जो आपका जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये वाला, ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है ये, तो ये आपका सारा चीज़ आपका एक ही साथ होता है, एक साथ आपका जो हमारा आर ग्रुप है ये आपका इस कार्बिन के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, और आपका जो निगेटिव चार्ज जो कार्बन पे आएगा वो आपका शिफ्ट होकर के इस पे आएगा, ये सारा चीज़, ये सारा प्रोसेस, ये आपका साइमल्टेनियसली होता है, एक ही साथ सब कुछ होता है, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप में आपको मैं लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ओके, तो मैं इसको जल्दी से करता हूँ इरेज, और इस रिएक्शन को करता हूँ ख़त्म, बस ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है, ओके, सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है, क्या पता क्यों, इरेज हो ही नहीं रहा, हाँ हो गया, ठीक है, तो अब ये क्या, अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये क्या हो गया, ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया, हाँ ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, मेरे पास ये बन गया था, तो जब ये बन गया है तो फिर आगे भी बना लेंगे हम सी डबल बॉन्ड ओ,
यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा आर, और अब क्या आ रहा है मेरे पास बाहर में, एच टू ओ लिक्विफाइड हमने लिया था स्टार्टिंग में, याद होगा आपको अभी कि एच टू ओ एज अ लिक्विफाइड हमने लिया था रिएक्शन में, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले पोजीशन पे, क्योंकि क्योंकि ये वाला पोजीशन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, इसलिए हमारा जो हमारा एच टू है ये आपका यहाँ पे अटैक हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका आ गया कार्बन पे ओ माइनस, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया आर, और यहाँ से आ गया आपका ओ एच एच, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एच टू ने अटैक किया, ओ पे चला गया नेगेटिव चार्ज, तो अब क्या होगा, अब आपका यहाँ पे एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये है कि क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपने आप को करना चाहेगा स्टेबलाइज, तो इस वाले प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा, तो इस वाले प्रोटॉन को कौन लेगा, क्या आपका ओ माइनस लेगा, या फिर ओ माइनस के बॉन्ड को डीलोकलाइज करा के हम कार्बन से लेवा दें प्रोटॉन, तो दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से आपका क्या सही है, दोनों में से आपका कार्बन से लेगा प्रोटॉन, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। बिकॉज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अच्छा बेस कौन होता है, अच्छा बेस हमारा कार्बन इज अ गुड बेस, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हमारा अच्छा बेस होगा इन द कंपेरिजन ऑफ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ये यहाँ पे हम ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज को नीचे लाएंगे, और उसके बाद हम कार्बन से, हम जो हमारा कार्बन है वो आपका लेगा प्रोटॉन इस एच टू ओ प्लस से, तो उसके बाद फिर आपका ये ऐसे बन जाएगा, मैं इरेज करता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी तो इरेज हो नहीं रहा है, तो मैं इसको जल्दी से कुछ करता हूँ, मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ डिलीट, है ना, नहीं ये 1 मिनट, ये हो गया ऐसे, बस थोड़ा सा बस हमको जगह चाहिए, अब बाकी सब कुछ हो गया, अब है ना, ये हो गया, ओके ठीक है। तो इसके बाद क्या बन जाएगा, आपका ये कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, जैसे क्या हुआ था कि हमारे पास ऐसे था ना, मैं इसको फिर से कर देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ था, मैं इसको कर रहा हूँ जल्दी जल्दी अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे हमारा आर था, और बाहर से आपका आ रहा था एच टू ओ से हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, इस पर अटैक किया था, और ये आपका बॉन्ड आपका शिफ्ट हो गया, और ये हमारा ऐसे बन गया ओ माइनस, और ये आपका कार्बन, ये आपका आर, यहाँ पे आपका हो गया ऑक्सीजन पे आ गया आपका एच, ये इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, काफ़ी जल्दी मैंने बता दिया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ये यहाँ पे आपका कार्बन जो है लेगा प्रोटॉन, क्योंकि कार्बन इज अ गुड बेस, सो इसीलिए हम ओ माइनस के चार्ज को कराएंगे डीलोकलाइज, और ये आपका यहाँ से ले लेगा प्रोटॉन, और ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी एच टू, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा ओ एच, ये हो जाएगा ओ एच, और इसको मैं अगर ठीक से, अगर मैं इसको ठीक से कर देता हूँ, बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ये ऐसे आर डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यही तो था फाइनल प्रोडक्ट, आपको याद हो तो, अर्नट स्टट रिएक्शन का मिल गया, हम पहुंच गए मुकाम पे अपने, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, अर्नट स्टट होमोलोगेशन का, यही हमारा बनता है प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो हमारा एक जो हमारा कार्बन है वो आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया, जो हमने स्टार्टिंग में जो लिया था रिएक्टेंट आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अब यहाँ पे क्या हो गया आर सी एच टू डबल बॉन्ड ओ एच हो गया, ठीक है। ये था आपका पूरा मैकेनिज्म था इस नेम्ड रिएक्शन का, अर्नट स्टट होमोलोगेशन, ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शन है ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मैंने बता दिया आपको डिटेल में, छोटी से छोटी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ, क्लियर किया हूँ कि ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों हुआ, ये रिएक्शन वहाँ पे क्यों नहीं हुआ,
अगर वहाँ पे हो जाता तो क्या हो जाता। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। थैंक यू।